हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द इंजीनियर्स फर्म। आप सबको एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को जितना हो सके शेयर करना, स्पेशली इस वीडियो को। ये अपने पैरट्स के लिए समर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। आपको कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, मेरा जितना भी नॉलेज है मैं आपके सारे के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और कमेंट करना मेरा वीडियो का क्वालिटी कैसा है और कैसे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो पत्ते आप देख सकते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं बफेलो स्पिनच और मर्शब, और बंगाली में उसको बोलते हैं एलेंचा, और हिंदी में उसको बोलते हैं हरकुच। ये जो पत्ते आप देख सकते हो, अच्छी तरह से देखकर ख़रीदना जब भी आप मार्केट से परचेस करेंगे, क्योंकि और एक लीफ है वाटर क्रीफ लीफ, वो इस एलेंचा की तरह ही देखता है, मीन्स ये बफेलो स्पिनच की तरह ही देखता है, बट उसका जो पत्ते थोड़ा चिकना होता है और बफेलो स्पिनच का पत्ते थोड़ा मोटा होता है। हमको वाटर क्रीफ लीफ अपने बज्जी पैरट्स और बज्जीज वगैरह को नहीं देना है, हमको ये बफेलो स्पिनच ही देना है। ये जो बफेलो स्पिनच है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने हेल्थ के लिए। देख सकते हो पत्ते थोड़ा मोटा है, और वाटर लिली का अगर मेरा पास नहीं है, मैं कंपेरिजन वीडियो दूंगा, तो उसका जो वाटर लिली का जो पत्ता है वो थोड़ा चिकना होता है। अच्छा, इसका इम्पोर्टेंस आपको याद रखना होगा, वो बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उसमें होते हैं, जिससे कि अपने बज्जिस का और जो भी पैरोट है उसका इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप जब भी देंगे वो बहुत ही शौक से वो इसको खाएंगे, क्योंकि उसको भी पता है वो उसके बॉडी के लिए कितने अच्छे होते हैं। उसका लीवर को स्ट्रॉन्ग रखता है, अच्छे रखता है, जिससे कि बज्जिस वगैरह को जो डायरिया का प्रॉब्लम होता है गर्मियों में वो ना के बराबर होगा, और अपने जो पैरट्स का जो चीक्स वगैरह है उसका भी हेल्थ अच्छा होगा। गर्मियों में हमारा एक प्रॉब्लम होता है, चीक्स वगैरह मर जाता है, बट अगर आप रोज़ाना इस एलेंचा लीफ को देंगे ना, मीन्स ये बफेलो वाटर बफेलो स्पिनच को देंगे ना, आपका जो मॉर्टेलिटी रेट है वो ना के बराबर हो जाएगा, और अपने फर्टिलिटी रेट एग्स का बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं, जो अंडे के लिए और अच्छे चिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरत होते हैं। और एक बात आपको याद रखना होगा, इस बफेलो स्पिनच को कभी भी ठंडियों में मत देना, क्योंकि वे ये पत्ते पानी में होते हैं और बहुत ही ठंडे होते हैं, बट गर्मियों में वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो अपने पैरों की बॉडी को ठंडे रखते हैं, जिससे कि और अपने चिक्स वगैरह के हेल्थ को भी ठंडे रखते हैं, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होते हैं, जिससे कि उसका बॉडी ठंडे जब रहेगा ना तो चीज़ का ग्रोथ ऐसे ही अच्छे होगा। आपको एक बात याद रखना, गर्मियों में जितना हो सके ट्राई करना रोज़ देने के लिए अपने डाइट में इस एलेंचा लीफ को, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ओनली एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ही है। देख सकते हो मेरा चीक्स कितना शौक से ये एलेंचा लीफ और वाटर बफेलो स्पिनच को खा रहे हैं। थैंक यू।